के कोऑर्डिनेशन करके जितने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं उसमें लगभग 3000 टावर लगा के एबीसी ने काम किया है। तो ऐसे कई काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा हो ये हमारी कोशिश होगी। श्रीमती रक्षा खड़से अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि बीएसएनएल के माध्यम से काफी कोशिश की जा रही है सरकार के माध्यम से, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि प्राइवेट कंपनी को भी हम आग्रह कर सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में जाके काम करे, क्योंकि अभी सभी योजनाएं इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सब बैंकिंग व्यवस्था इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन ये व्यवस्था न होने के कारण काफी दिक्कत आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। धन्यवाद। सर, जो निजी कंपनियां हैं उनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा, मैंने स्वयं इस बात का को अपने संज्ञान में लिया है कि कई आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर निजी कंपनियों का प्रभाव कम है। उनका सुझाव बहुत सही है, इस बात की मैं कोशिश करूंगा कि बीएसएनएल के साथ साथ बाकी निजी कंपनियां भी सुदूर जंगल के क्षेत्रों में जाए। यहीं पर इस सदन को जानने की जरूरत है कि बीएसएनएल और प्राइवेट कंपनियों में क्या अंतर है। बीएसएनएल जाती आदिवासी इलाकों में एक